मनोकामना जो कहता है कि मातृ मंदिर का समर्पित दीप मैं चाह मेरी यह कि बस जलता रहूं और यह दीपक जला करके शहीदों को नमन करते हुए समाज में जहां कहीं भी अंधेरा है उसे हम समाप्त करने का संकल्प लें इस भाव से कि चलो जलाएं दीप वहां पर जहां अभी भी अंधेरा है। दीपों की सिख माननीय मुख्य अतिथि महोदय गुरु नानक खालसा कॉलेज में जला रहे हैं, ये सदैव चलता रहे। झंझा का झोंका झपकाए आजा चिंद शामी आने के तले आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले करता हूँ और गुरु नानक खालसा का धन्यवाद करता हूँ और खास तौर पर इस प्रोग्राम में जो डॉक्टर साहब ने मुझे कहा था कि सर डॉक्टर जीव जंतु भी पक्षी भी यदि पिंजरे में बंद कर दिए जाएं तो घुटन महसूस करते हैं, हम तो इंसान हैं। लेकिन जो ये आज़ादी हमें मिली, खुली हवा में सांस लेने की आज़ादी हमें मिली, ये हमें धरोहर है कुछ लोगों की जिन्होंने अपनी जान की बलि दी, अपने प्राण जिन्होंने छावर कर दिए, जिनकी वजह से आज हम आज़ाद हैं। मुझे एक कहावत याद आती है कि कोई गरीब आदमी एक संत महात्मा के पास गया और उसको जाकर कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ। उसने कहा ठीक है, आप एक उंगली मुझे दे दीजिए, इसके बदले में मैं आपको 5,000 रुपये दे देता हूँ। उसने कहा नहीं, बोला तो एक टांग दे दीजिए, मैं 20,000 रुपये दे देता हूँ। मुझे तोड़ लेना बलमारी, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीर चढ़ाने जिस पर जाएंगे। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। कल के नहीं, आज के भारत के सभी ये बच्चे बता रहे हैं और इनको समझना चाहिए। बहुत सारे बच्चे हैं, बात देते हैं ताली बजा करके। मोनू, मनीष, विशाल, विक्रम मैम और प्रतिनिधि सरदार निरंजन सिंह जी संधू, जो इनका समाज के संगठन में, समाज के निर्माण में, सेवा में बड़ा योगदान है वाले व्यक्ति हैं और ऐसे कार्यक्रमों में
उनको पुरस्कार दे करके उनका अभिनंदन करें। मैंने बहुत पहले एक शेर सुना था कि हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। जब मैं पंकज को इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हुए देखता हूं और डॉक्टर विजय दहिया का जो साथ इसमें देखता हूं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है और शायद आप सभी को भी अच्छा लगता होगा। क्योंकि हम अगर अब जिस तरह की इसकी एक सोसाइटी है, श्री गणेश एंटरटेनमेंट एंड ह्यूमैनिटी सेंटर, और ये अपने धन्यवाद। और चलते चलते आप सभी मुक्त हृदय से मुक्त देखिए, ये आवाज ठीक नहीं निकली, मजा नहीं आया। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे।